अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MAN24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नूर खोखर। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हाजी तारक महमूद डोगर के डेरे पर मुख्तलिफ शख्सियात की हाजी तारक महमूद से मुलाकात। हाजी तारक महमूद डोगर के डेरे पर नवीदुल मरूफ, बग्गा डोगर, अशरफ डोगर, अरशाद डोगर, बूटा चौहान, सफदर डोगर, इस्तहार डोगर, राणा अदनान, मियां मुनीर सेठ, अशरफ अमामदीन डोगर, वहीद डोगर, हाजी तारक महमूद डोगर से मुलाकात की और दीगर रहनुमाओं ने भी हमेशा साथ चलने का अहद किया। तहसील नौशहरा वर्का में भी PTI को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने लगे। मजीद जानते हैं अमजद शफी गुजर की इस रिपोर्ट में। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तहसील नौशहरा वर्का की सियासत का बदलता रंग। PTI के अहम कारकुनान नून लीग में शामिल। PTI के राणा ब्रादरा ने हाजी मुदस्सर कयूम नारा और अरफान बशीर गुजर साहब को मदु किया और बाकायदा नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर हाजी मुदस्सर कयूम नारा साहब ने अपने कारकुनान से खताब करते हुए कहा है कि 8 फरवरी को शेर पे मोहर लगाकर पाकिस्तानी होने का सबूत दें कि हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल देखना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचाया और नून लीग ने अपने दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। मुस्लिम लीग नून के साबिक MPH और इरफान बशीर गुजर साहब ने कहा है कि लोगों को पता चल गया है कि हम बागनों वालों के साथ नहीं हैं। जो लोग अपने वोटर सपोर्टर का दिफा नहीं कर सकते वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे? जी, कोहाट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीमी अहदेदारों और कारकुनान का अहम मुशावराती इजलास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीमी अहदेदारों और कारकुनान का अहम मुशावराती इजलास आज अजीम बाग कोहाट में सूबाई सेक्रेटरी इत्तला'आत अमजद खान अफरीदी के जेर सदारत मुनक्किद हुआ। साबका उम्मीदवार कौमी असम्बली हाजी सईद नूर अकबर मियाँ चेयरमैन, उम्मीदवार तहसील लॉयर और कजाई सईद बशारत हुसैन मियाँ डिविजनल, सदर अब्दुल रऊफ एडवोकेट, जिला जनरल सेक्रेटरी निनाज अली और डिविजन भारतीय पार्टी अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में चेयरमैन बिलावल तो जरदारी की 10 दिसंबर को कोहाट में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मलिक हाजी सईद नूर अकबर और दीगर मुकर्रमीन ने खिताब करते हुए किया कि इंशाल्लाह 10 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए और कजाई से सईद बशारत हुसैन मियां मीनाज अली और मलिक हाजी अकबर मियां के क्यादत में बड़े काफिले की शक्ल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल करेंगे। कोहाट में विलेज कौंसिल सुदर के इलाके के मायदीन मुंतखिब बल्दियाताना और उलमा कराम शेख फैमिली के हमनुमा बन गए। विलेज कौंसिल सुदर के इलाके के अमायदीन मुंतखिब बल्दियाती नुमाइंदा गान और उलमा कराम शेख फैमिली के हमनवा बन गए। चेयरमैन सुबेल गुलजान, चेयरमैन VC मालगन मोहम्मद हनीफ, सूबेदार खान जमान आप सुबेल समेत इलाका मिश्रान नौजवान और उलमा कराम ने इलाकाई मफाद की खातर शेख फैमिली की क्यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए आम इंतखाबात में भरपूर वोट करने और भारी अक्सरियत से कामयाब कराने के अजम का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए कौमी असम्बली के उम्मीदवार गौहर सैफुल्ला खान ने कहा कि इंशाल्लाह जमात उलमा इस्लाम को हाथ में कलीम करेगी। यहाँ की पसमंदगी का एहसास है और यहाँ की पसमंदगी के खात्मे के लिए गैस रियलिटी ही काफी है। इंशाल्लाह शेख फैमिली का इक्तदार गरीब अवाम की अमानत होगी। तसरूर में आग शॉर्ट सर्किट के 22 लगी। तसरूर में आग शॉर्ट सर्किट के 22 लगी। तकरीबन 40 लाख मालियत का सामान जलकर राख हो गया। दबीजी मार्केट में सिंध सकाफती आलमी दिन मनाया गया। दबीजी मार्केट में सिंध का सकाफती आलमी दिन मनाया गया। टोपी अजयक सिंध में रहने वाले सिंधियों ने कहा पूरे पाकिस्तान और दुनिया में जहाँ भी हमारे सिंधी तलक रखने वाले सिंधी भाइयों को टोपी अजरक दो मुबारक हो। मुजफ्फरगढ़ मियांवाली रोड पर तेज रफ्तार लोडर डाला कंटेनर से पीछे से टकरा गया। हादसे के बाद से 2 अफराद मौके पर जाम हक हो गए। मुजफ्फरगढ़ में मियांवाली रोड पर खानपुर बग्गा शेर के करीब लोडर डाला कंटेनर से टकरा गया। रेस्क्यू गुजराई के मुताबिक तेज रफ्तार लोडर डाला बेकाबू होकर कंटेनर के पीछे से टकरा गया, जिसके बाद से 2 अफराद मौके पर जाम हक हो गए जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने डाले के कैबिन में फंसे हुए 2 अफरादों की लाशें निकाली और रेस्क्यू 112 ने लवाहकीन के इसरार पर मैयत लवाहकीन के हवाले कर दी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त मुजम्मल और अजमतुल्लाह के नाम से हुई। वाकया की इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।